हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, जिनमें अभी फुल ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग होती है इनमें। ये क्रैनबेरी हिबिस्कस के प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इन प्लांट्स पे नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है कि जो बल्ब वाले प्लांट समर के होते हैं उन्हें सीज़न ख़त्म होने पर किस तरीके से सेव करके रखा जाए। कुछ प्लांट जो कि समर में और विंटर में, सॉरी, रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें हमें किस तरीके से विंटर में सेव करके रखना है, नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे उन्हें बचा के रखना है, इस पे हमारा आज का वीडियो है। तो मैं अपने रजनीगंधा के प्लांट, ये रजनीगंधा नहीं, और भी सारे जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं मेरे, जो कि अब विंटर सीज़न में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उन पे ये काम कर ही रही थी। तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं रजनीगंधा के प्लांट पे मैंने वीडियो बनाया था, तब किसी ने पूछा था कि इन्हें सेव करके किस तरीके से रखा जाता है, तभी मैंने सोचा कि चलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि किस तरीके से मैं अपने बल्ब वाले प्लांट को सेव करके रखती हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि प्लांट पे जो पत्तियां पीली हो चुकी हैं, इस तरह से सारे ही प्लांट हो जाते हैं जो डोरमेंसी में जाते हैं, तो हमें उन्हें हटा देना है। दूसरा, जो वीड्स वगैरह है, अगर गमले में साइड में घास वगैरह निकल आती है उन्हें भी हटा देना है, एक्स्ट्रा जो भी है उन्हें हटा देना है, साफ़ सुथरा कर देना है पॉट को, और ऊपर ऊपर से पत्तियों को कट कर दीजिए। एक पॉट में तो मैंने कट कर दिया है, देखिए यहाँ से ये इसके नए नए शूट भी निकल रहे हैं अब, तो कट करने से, ऊपर से जो पत्तियां होती हैं उन्हें कट करने से प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, बल्ब को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग जो होते हैं बल्ब को निकाल के और सेव करते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से कभी नहीं करती हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर दोबारा मेरा बल्ब जो है वो नहीं, अगर स्प्राउट नहीं कर पाया तो फिर मुझे रिस्क ही लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। देखिए, पॉट में ही रहने देती हूँ मैं बल्ब को, और ऊपर से जितनी भी पत्तियाँ होती हैं उन्हें काफ़ी हद तक कट कर देती हूँ। पत्तियों को हटाने के साथ साथ हमें प्लांट को इस तरह से, देखिए जो हमारे जो प्लांट जब फ्लावरिंग कर रहे होते हैं तो स्टॉक पे फ्लावरिंग आती है, लंबा सा उनका स्टॉक निकलता है, जिसे स्पाइक निकलता है, एक ऐसे लंबा सा जिस पे फ्लावरिंग होती है, तो इसे हम कट करते हैं जब, तो कुछ इस तरीके से नीचे रह जाता है, तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्राई होके फिर जब इसमें पानी वगैरह ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पे फंगस क्रिएट करेगा, तो प्लांट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हमें इसे निकाल लेना चाहिए है, ज़रूर से इसे निकाल दें। और जितनी भी देखिए साइड से पत्तियाँ वगैरह पीली हैं उन्हें भी हटा दीजिए। ये देखिए, कल हमारे यहाँ पे बारिश हुई है और तो इसलिए ये मिट्टी काफ़ी गीली लग रही है, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी इतनी गीली नहीं होने देना है हमें, हमें इस पर जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी वाटरिंग करनी होती है। इस तरह से पत्तियों को हटा के, इसकी थोड़ी येलो येलो लीव्स हटा के कट करके, और मैं रख दूँगी इन्हें ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप इन्हें मिलती रहेगी, और कभी कभी इन पर वाटरिंग करनी है जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए, थोड़ी कम वाटरिंग करनी होती है हमें, तो इस तरीके से करके। और जो दूसरा काम करना होता है वो होता है, जो मस्त है वो है, इस पर आप थोड़ा सा मिट्टी में राख, अगर आपके पास है तो राख डाल दीजिए, थोड़ी सी गमले के चारों तरफ से रिम पे छिड़क दीजिए, या फिर राख नहीं है अगर आपके पास तो आप फंजीसाइड का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए ऊपर से, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम फंजीसाइड डालेंगे फिर वाटरिंग करेंगे तो वो जो फंजीसाइड वाला वाटर है वो नीचे जाएगा, पानी में घोल के भी आप फंजीसाइड दे सकते हैं, तो वो जब नीचे जाएगा तो बल्ब और जड़ों पे अगर किसी तरह का फंगस लग रहा है पड़े पड़े तो वो नहीं लगेगा। तो ये है मेरे अमेरेंथस लिली के बल्ब, और इन्हें भी मैं इस तरह से क्लीन करके, और इनकी पत्तियाँ भी काफ़ी हेल्दी हैं, जब इनकी पत्तियाँ भी धीरे धीरे विंटर में येलो होने लगेंगी तो मैं ऊपर से कट करती जाऊँगी, और इसी तरह से मैं रैन लिली के प्लांट पे भी करूँगी। तो इसी तरह से सारे के सारे आपके जो बल्ब वाले प्लांट हैं डोरमेंसी में जाते हैं, जो विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, उन्हें आप इस तरीके से कर लें, तो कभी कभी इस तरह से रखने से भी ये फ्लावरिंग कर देते हैं बिना सीज़न के भी।
तो इस तरह से देखिए मैंने इन्हें रख दिया है यहाँ पे। इन्हें मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिलेगी और इन पे वाटरिंग मुझे तभी करनी है जब ये इनकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ऐसा नहीं कि इन्हें हमने साइड में रख दिया है तो इन पे बिल्कुल वाटरिंग वगैरह करें ही ना, तो बिल्कुल वाटरिंग हमें करनी है जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए। हाँ, हमें इन पे फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि अब ये फर्टिलाइज़र नहीं लेंगे, क्योंकि प्लांट जब डोरमेंसी में होता है, रेस्ट पीरियड पे होता है, तो वो फर्टिलाइज़र नहीं लेते हैं, तो हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है इन पे अब, और इसी तरीके से हमें इन्हें रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बल्ब वाले प्लांट पे कि किस तरह से हमें अपने बल्ब वाले प्लांट को नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा के रखना है। सीज़न आने पर हम फिर इसे किस तरह से रेडी करेंगे इस पर वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी जब इनका सीज़न आएगा। होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।